ਦਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਡੀਆਂ ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਡੀਆਂ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਨ ਬਾਰੋ पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुरबारे पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुरबारी अर्जन काया पलट के मूर्त हर गो हिंद सवारी मूर्त हर गो बिंद सवार चली पीढ़ी सोडिया चली पीढ़ी सोडिया रूप दिखावन बारो चली पीड़ी सोडिया रूप दिखावण बारो बारी दल पंजन जोदाबो पर उपकारी भाई गुरदास जी दी पावन पितरवार एक बंदे च एक गुण होएगा दो गुण होणगे पर बंदे च सारे गुण कदे नहीं होंदे गत क्या को सतनाम धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज वह प्रगटे हो पुरख भगवंत रूप गुरु गोबिंद सूरा वह प्रगटियो पुरख भगवंत रूप भाई साहब भाई गुरदास जी गुरु हरगोबिंद साहब की सिफत सलाना दल भंजन गुर सूरमा कहते जो गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सैर न चलते सन ते चार चार पांच पांच घोड़े नाल चलते सन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज क्यों क्योंकि गुरु हरगोबिंद साहब महाराज इतने जवान सन ते इतिहास गवाह है कि जड़ी गुरु हरगोबिंद साहब की आवीणी सी ना कहते जो इंची टेप लैके उसकी गुलाई करते सन ना तो बारह चौदह इंच की वह गुलाई बनती सी गज के आखो सतनाम श्री राय फिर सत फुट गुरु हरगोबिंद साहब महाराज पातशाह का कद भाई शोभा सिंह जिन्होंने जो ये तस्वीर बनाई सन तो भाई शोभा सिंह कांगड़े का रहने वाला चित्रकार वो कह लगे जो मैं सब तो पहला गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज
ते गुरु हरगोबिंद साहब जी की मैं चित्र बनाया ना, उस तो पहला मैं 6 महीने इतिहास पढ़िया गज के आखो सतनाम सेवा। तुसा वेख्या गुरु हरगोबिंद साहब महाराज का चेहरा, तो उन्होंने चेहरा ते गर्दन, ये निशानियां अवतारा दियां गज के आखो सतनाम। पै कहो को देतना नै पै मान ध्यान गुरु हरगोबिंद साहब दल भंजन गुरु सूरमा बड़ जोधा बहु पर उपकारी। कहणगे गुरु हरगोबिंद साहब एक महान जरनैल, जंगा नूं जितण वाले और गुरु दे सूरमे और वड्डे पर उपकारी। कैसी कमाल है कि जिस सुलखणी मात नूं गुरु हरगोबिंद साहब ये कह रहे हैं कि तेरे कर्मां विच पुत्र दी दात नहीं, ते ओयो गुरु लिख के दे रहा है। एक बार गज के आखो सतनाम सेवा। कह लगे मां की चाहिए? कह लगे गुरु हरगोबिंद साहब महाराज एक पुत्र दी दात दे दियो। कह लगे माता तेरे कर्मां विच पुत्र दी दात नहीं, माता वापस राह विच भाई गुरदास जी मिल गए गज के आखो सतनाम सेवा। कह लगे माता कितों आ रही है? कह लगे गुरु दरबार तो। कह लगे फिर चेहरे ते उदासी क्यों? जेड़ा गुरु घर तो आवे उहदे तां चेहरे ते खुशी हुंदी है, ते तेरे चेहरे ते उदासी क्यों? माता सुलखणी कहण लगी, कह लगे भाई गुरदास जी मैं एक पुत्र दी दात लई अर्ज कीती सी, ते गुरु हरगोबिंद साहब महाराज पातशाह ने कह दिता कि माता तेरे कर्मां विच पुत्र दी दात लिखी नहीं गई। गज के आखो सतनाम सी। कहण लगे माता जिस गुरु ने तैनू ये गल कही है ना कि कर्मां विच पुत्र दी दात नहीं लिखी गई, कहण लगे फिर कोई ओ लिखेगा शाम नूं गज के आखो सतनाम सी। भाई गुरदास जी कहण लगे माता शामी इस जगह तो गुरु हरगोबिंद साहब महाराज पातशाह ने अपने शिपा सलारा दे नाल अपने शस्त्र बस्त्र कोड़ सवार होकर संध्या की सैर लई निकलना है, ते इत्थे खड़ी हो जाई ते गुरु हरगोबिंद साहब दे घोड़े की लगाम पकड़ ली। किसी अफसर नूं इदां रोकना है तो सच्ची सरकार सी, किसी माड़े मोटे अफसर की गड्डी नूं हाथ दे देना तो खैर मनावे अपनी गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरु सच्ची सरकार। और कहण लगे माता एक होर काम करी कि अपने कोल कलम ते शाही दी दुआत ते कागज लैके आई। कहण लगे भाई गुरदास हो क्यों? कहण लगे गुरु हरगोबिंद साहब नूं गल कही कि एक पुत्र दी दात चाहीदी है, ते गुरु हरगोबिंद साहब कहण लगे तैनूं फिर कि तेरे कर्मां दी पुत्र दी दात नहीं लिखी गई। ते कहण लगे भाई साहब जी, कहण लगे माता फिर बड़ी निम्रता सहित बड़े प्यार सहित मन भर के ते गुरु हरगोबिंद साहब नूं फिर ऐना पुछ ली कि सतगुरु जे मेरे कर्मां विच पुत्र दी दात नहीं लिखी गई ते फिर मैनूं लिखण वाला दस दिओ, मैं उत्थे चले जांदी आं गज के आखो सतनाम। ते गुरु किदां कह देगा वी किसे तंत्र कोल चली जा, किसे मड़ी ते चली जा। ते गुरु हरगोबिंद साहब शायद कह देण कि माता लिखण वाले तो असी। अगली गल सुन तो फिर गुरु हरगोबिंद साहब नूं कह दई कि सच्चे पातशाह जे लिखण वाले तुसी हो तो कोई गल नहीं, तुहानूं कड़ा एक काम है गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। ये मेरे शहनशाह मेरी पीरी दे मालक कितनिया संगतां दा ध्यान रखते हो, जे मेरे वर्गी गरीबड़ी किते तुहाडी निगाह चो ओझल हो गई ते हुण कृपा कर दिओ गज के आखो सतनाम। कहण लगे फिर गुरु हरगोबिंद साहब जे रीझ गए ते फिर वह गल कहणगे कि माता कल सवेरे आवी ते लिख देंगे। कहण लगे फिर इंतजार ना करी, फिर सारी समगरी अगे कर दी गज के आखो सतनाम। कोई गल होई लगाम पकड़ ली गुरु हरगोबिंद साहब महाराज। कहण लगे माता साडे घोड़े की लगाम क्यों पकड़ीए? माता कहण लगी सतगुरु
एक पुत्र की दात दे दियो। कल के माता सवेरे भी आई सी ते तेरे कर्मा विच पुत्र की दात नहीं लिखी गई। कह लगे सतगुरु ये पुत्र की दात लिखण वाला कौन है? कह लगे माता लिखण वाला तो गुरु नानक का सेवादार, लिखण वाले असी। तो कह लगे कोई गल नहीं, हुण लिख दिओ, तुहानूं कड़ा एक काम है। गुरु हरगोबिंद साहब कह लगे भी हुण गल लाइन ते आई है, कुछ गज के आखो सतनाम। मंगण वाला होना चाहिए गुरु के घर का घाटा ही कोई नहीं, गज के आखो सतनाम। पर इत्थे चतुराई नहीं चलती, चतुराई सियाणपा कितने काम ना आई है। कह लगे माता लिखण वाले तो असी हाँ। कह लगे सतगुरु फिर लिख दिओ। कह लगे माता इस वक्त असी चले हाँ सैर ते साढ़े कोई कलम नहीं, कोई दुआत नहीं, कोई कागज नहीं। माता सवेरे आवी दरबार विच ते उत्थे तख्त ते बैठे होवांगे ते तैनू एक पुत्र की दात लिख देंगे। कोई अफसर होवे उहदे कोल किते काम नू जाइए ते वो मन जाए तो कवे कि कल नू आना ते जिहड़ा सियाणा बंदा होना उह साहब जी कल कुल नू हुण तक पता नहीं, कल तुसीं किते बार बूर किते इधर उधर लंघ गए, इह हुण ही सैन कर दिओ। ते अफसर कहिंदे वी बंदा चंगा वधिया प्यार वाला चल कर दिओ। कहणगे कल आवीं ते माता सुलखणी कहण लगी सच्चे पातशाह कल आवां सवेरे। कहण लगे हाँ। कहण लगे लिख दिओगे? कहण लगे लिख दें। कहण लगे पक्का? कहण लगे माता बिल्कुल पक्का। कहिंदे जे सवेरे लिखना फिर हुणे लिख दिओ, जदों मान ही गए हो तां गज के आखो सतनाम। कहण लगे गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज, कहण लगे माता साढ़े कोल इस वक्त शस्त्र ने, लिखण समगरी नहीं है, लिखण समगरी स्थान ते पई है। कह लगे सतगुरु तुहानूं की चाहिए? कह लगे कागज चाहिए, कलम चाहिए है, शाही चाहिए है। झोले दे विचों तीन चीज़ां कढ़ियां ते कढ़ के गुरु हरगोबिंद साहब दे अगे कर दित्तियां। कह लगे सतगुरु आ लो कलम ते आ लो कागज ते आ लो शाही। सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज घोड़े ते बैठे हस पे। कह लगे माता तैनू कितने भाई गुरदास तां नहीं मिलिया? भाई गुरदास, गुरु हरगोबिंद साहब नूं पता सी भाई गुरदास की करदा है। अफसर ना काम करे ना ते पीए कोलो हो जांदा गज को सतनाम सिंह। भाई गुरदास, कहण लगे माता तैनूं भाई गुरदास तां नहीं मिलिया? कह लगे सतगुरु तुसां उहदे कोलों की लैणा है? कह लगे इहो जिहियां सलाहां भाई गुरदास ही देंदा गज के आखो सतनाम सिंह। किसे नूं बख्शा लैंदा है, किसे नूं इहो जिहियां तजवीज़ां दस दिंदा है। सतगुरां ने खब्बे हाथ ते कागज ते सज्जे हाथ विच कलम है शहनशाह दे। कलम दी नोक ते शाही लाई ते ध्यान करियो गुरु लगा एक पुत्र देण मात सुलखणी नूं गज के आखो सतनाम। सतगुरां ने अंतर ध्यान होए उस परमात्मा दे उस गुरु नानक दे चरणां नूं आराध्या ते जदों एका पाण लगे ते घोड़े ने हिलाता पैर गज के पौड़ हिला दिता गज के आखो सतनाम। जिन्हां नूं स्वर्ण लिपि पता होवे, हुण तां सानूं ज़्यादा हिंदी दे पता, बेटा कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो, स्कूल का काम कर लिया, मैडम ने क्या कहा, कल को क्या खाना लेके जाना है, वी आर प्राउड टू बी ए सिख। पंजाबी लिपि, पंजाबी दा एका, जिस एके तो गुरु ग्रंथ साहिब की शुरुआत होई, एके तो क्यों, अक्षर तो क्यों नहीं, क्योंकि परमात्मा एको ही है गज के आखो सतनाम सिंह। ज्यादा परमात्मा किदां हो सकते हैं? एका सतगुरु पाण लगे ते घोड़े ने जो पैर हिलाया तो ए दी बजाय ऐदा हो गया गज के आखो सतनाम सिंह। जो साता बन गया सतगुरु विस्माद हो गए, कदे माता वाल वेखते ने, कदे कागज के साते वाल वेखते ने। कह लगे माता तैनू एको पुत्र चाहिए? कह लगे जी हजूर लिखा नहीं गया। माता डर गई भी शायद लिखा नहीं गया, क्योंकि कर्मा के उपर बड़ा निबड़ता गल। सतगुरु शहनशाह कहन लगे माता पुत्र लिखा तो गया पर तू एक मंगया सी, असी एका पाण लगे एका नहीं पिया, एक एदा सत बन गया गज के आखो सतनाम। हुण तू इको लै लै
ਤੇ 6 ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ, ਵੰਡ ਦੇਾਂਗੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਦੀ, ਵੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਗੇ। ਕਹਿਣਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਹਾਵਤ ਕਿ ਮਾਂ ਕਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ।